हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और चाय वगैरह हो चुकी है, उसके बाद जो है खाना बनाना होता है। और मेरे यहाँ पे आपको पता ही है लंच ब्रेकफास्ट सब एक साथ ही हो जाता है। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटर कट करे हैं। आज एक स्पेशल सी सब्ज़ी आपके साथ शेयर करूंगी। और सब्ज़ी क्या है? सब्ज़ी है कटहल की, जिसकी मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है। कटहल ऐसी सब्ज़ी है जिसको हम वीकली बेसिस पे तो बनाते नहीं हैं, कभी कभी बनती है तो स्पेशल ही मानी जाती है। और हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज चॉपर में कर लिया, तो ये सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। और पतिदेव यहाँ पे काफ़ी हेल्प मेरी कर रहे हैं, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और आज मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, उसमें हींग जीरा डाल लिया है। और फिर ये चॉपर में प्याज मैंने चॉप करी थी, दो प्याज थी, नॉर्मल साइज़ की, मीडियम साइज़ की थी, तो ये मैंने इसमें ऐड करी है। और बस इसको चलाते हुए जो है भून लेना है। उधर मैं तड़का बना रही हूँ और इधर ये देखिए ये कट कर रहे हैं कटहल। रात को ये कटहल लेके आए थे और बहुत ही अच्छा कच्चे वाला कटहल है। जो कच्चिया सा कटहल होता है ना, उसके बीज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नहीं तो फिर बीज इसके हटाने पड़ते हैं। और इसको कट होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो ये फटाफट से इसको कट कर रहे हैं। और हाँ, जैसे ही कटहल कट करते हैं तो उससे पहले चाकू पर भी और अपने हाथ पर भी तेल लगाया जाता है, नहीं तो ये है जो चिपक जाता है। चाकू भी साफ़ नहीं होता और बर्तन भी साफ़ नहीं होता है। हालांकि ये इतना वैसा था नहीं, जैसे प्लेट में रखा हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ था प्लेट में, मतलब लगा ही नहीं है, बहुत ही अच्छा कटहल था। तो यहाँ पे देखिए मेरा तड़का भी लगभग भुनने ही वाला है, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। और सूखे मसाले अपने वही हैं रूटीन के, धनिया पाउडर हो गया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तो ये सब मसाले इसमें अच्छे से करूँगी मिक्स। और फिर जो है टमाटर मैंने चॉप करके रखे हैं, वो टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन मैं अवॉइड कर रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे ही होता है, हम गर्मी में ना कम ही यूज़ करते हैं। आप करते हैं तो अदरक लहसुन ज़रूर डाल लीजिएगा। और यहाँ पे टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, चार टमाटर लिए थे, मीडियम साइज़ के ही टमाटर थे। और डाल दूँगी इसमें नमक, जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। पेस्ट वगैरह नहीं लेना है, इसी तरह से चॉप किया हुआ टमाटर इसमें बहुत ही अच्छा जो है सब्जी बनके ये तैयार होती है इस तरीके से। और टमाटर ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं नमक के साथ। इसको मैं एक मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। और इधर देखिए मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है, हालांकि जो ये मैं काम कर रही हूँ ये हम पहले कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका है। इधर इन्होंने कटहल कट कर दिया है और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल कर लिया है गर्म, और इसमें ये कटहल मुझे फ्राई करना है। मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, कुछ लोग डीप फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ऑयली सब्जी बनती है, तो मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ। और इसको चलाते हुए मुझे सैलो फ्राई करना है मीडियम आंच पर। बीच में मैं तड़का भी अपना चेक कर रही हूँ, जब तक मेरा जो है कटहल फ्राई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुक मैं उसको वहाँ पे नहीं करूँगी, क्योंकि 50% से भी 40% हो जाएगा उतना काफ़ी होगा। और फिर यहाँ पर ये अपने जो है जगह पे मसाले के साथ कुक हो जाएगा। ऐड कर दिया है इसमें गरम मसाला, बिल्कुल सिंपल मसाले के साथ मैं इसको बना रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। और ये देखिए मसाला कितने अच्छे से हमारा भुन चुका है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। और इधर हमारा कटहल भी लगभग फ्राई होने वाला है। इसको बीच बीच में मैं चला रही हूँ, और थोड़ा सा इन्होंने बीच में चला दिया था कट करने के बाद, जब तक मैंने मसाले वगैरह किए हैं। और यहाँ पे मैं इसको देख रही हूँ कि हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, देखिए चाकू से ना हल्का सा दबाते ही ये सॉफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ये रेडी है। और डीप फ्राई करते हैं तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन बस वही है ऑयली होता है। और आज मैं इस तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक तरीके से मैं और बनाती हूँ कटहल बॉयल करके, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है वो भी, तो वो भी कभी ट्राई करूँगी। मैंने पहले दूसरे चैनल पे तो बहुत बार ट्राई किया है। और बस ये जो है कटहल मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से मसाला इसके ऊपर कोट हो जाएगा, अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और अब ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, क्योंकि मसाले में जो हमने टमाटर यूज़ किए थे वो ग्रेवी नहीं थी।
हल्का सा करीब 2 घूंट के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जिससे कि नीचे से ये जले ना, और मीडियम आंच पे इसको धीरे धीरे करके जो है अब पकाना है। एक बार मैं इसको यहाँ चला दूँ, आटा वगैरह मैंने निकाल के रख लिया है, तो एक बार चला के ना फिर मुझे आटा लगाना है, तो बीच में फिर ये जलेगा नहीं, मॉइस्चर हो जाता है सब्ज़ी में थोड़ी देर बाद, तो फिर तो टाइम ले लेती है, लेकिन एक बार ना फिर जल्दी चलानी पड़ती है, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है इस तरीके से ये। तो आटा मैंने शुरू कर दिया है लगाना, और गर्मी गर्मी आप पूछिए मत कितनी गर्मी है आज। और ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आंच लेके आया है इसको, वाइट रैबिट को यहाँ पे, और ये बड़ा ही जो है खेलता है, और यहाँ पे आ गया है स्टे भी फ़ोन लेके, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था और वो कट भी गया था। फिर मैंने बोला वैसे तो मेरा टाइम नहीं है इस टाइम, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, पता नहीं कोई ज़रूरी बात करनी होगी मम्मी को। हालांकि मम्मी इस टाइम करती नहीं है, क्योंकि पता है मेरे यहाँ पे इस टाइम खाना वगैरह बनता है, और मेरे मम्मी के यहाँ पे क्या है कि इस टाइम तक ना ब्रेकफास्ट तो हो जाता है, सुबह का काम हो जाता है, और फिर लंच बाद में बनता है। तो मैं मम्मी से ही बोल रही हूँ, मम्मी आपका तो हो गया और जो है मेरा भी शुरू हो रखा है क्या है, तो बस वही यहाँ पे कुछ बात ज़रूरी तो नहीं थी, लेकिन वो था कि मम्मी रात नहीं पर कर पाई थी ना, जैसे मैं शॉप से लेट हो जाती हूँ फिर आके खाना बनाती हूँ, और गांव में थोड़ा जल्दी हो जाता है, जैसे गांव में खाना पीना जल्दी हो गया फिर सो गए, तो इस तरीके से ना रात में बात नहीं हो पाती। तो यहाँ पर देखिए कटहल बहुत ही टेस्टी सा बन के हमारा तैयार हो गया है। फिर मैंने फुलके सेकना शुरू कर दिया है, फुलके नहीं आज मैं पराठे बना रही हूँ। कटहल आप चाहे पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे जो है प्लेट में कटहल मैंने डाल भी दिया है इनके लिए, क्योंकि इनको फिर लेट हो रहा है, और यहाँ पे मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया है। खाना पीना हो गया और रेस्ट हो गया, क्योंकि काम करने के बाद ना थोड़ा सा तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो जाता है, तो रेस्ट भी मैंने कर लिया, और आज मुझे लगानी है बालों में मेहंदी। ये देखिए मेरे बाल ना वाइट हो रखे हैं, इतनी गर्मी में मन तो नहीं है लगाने का, लेकिन लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वाइट हो रखे हैं, करीब 1 महीना हो गया होगा। ये देखिए कितने वाइट हो रखे, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा वाइट हो रहे हैं, तो मेहंदी मैं लगाऊंगी। और आज हाँ सॉरी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि साइड में ना काम चल रहा है, मकान बन रहा है उनका, तो खटपट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसीलिए मैं कम बोलती हूँ, लाइव शायद आज ना बोला जाए। और अभी मेरा जो है काम पड़ा हुआ है सारा, काम अभी कुछ भी नहीं हुआ, चले लग गया है बाहर धुलाई करने के लिए, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि फिर बहुत तेज़ धूप हो रही है और 10 बज चुके हैं। तो अब मैं इंस्टेंट मेहंदी लगाने वाली हूँ, जिसको कि मैं अभी साथ साथ घोल के तैयार करूँगी और साथ साथ मैं लगा लूँगी उस मेहंदी को, जो मैं पहले भी आपके साथ शायद शेयर कर चुकी हूँ, नहीं किया है तो आज करूँगी। तो वो मेहंदी ना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखी जाती, 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है, लेकिन मैं साथ साथ ही लगाने वाली हूँ। पहले सोच रही थी लगाऊँ ना लगाऊँ, तो कन्फ्यूज़न था और थी भी नहीं, तो अभी श्रेय ने मुझे ला के दी है, और मैं साथ साथ ही उसको अपने बालों में लगाने वाली हूँ। कुछ काम जो है श्रेय कर देता है, और कुछ अपना किचन का मैं करूँगी, बाकी साफ़ सफाई का श्रेय कर देगा जो धुलाई वगैरह बाहर कर रहा है, और जाएगा शॉप पे सुबह को। मैं ए सहता रैपिट आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ ही आवाज़ आ रही है चारों तरफ से, तो मैं तो अपनी किचन का करूँगी, और थोड़ा वेजिटेबल वगैरह रखी है उनको रखूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं लगाऊँगी मेहंदी, क्योंकि 1.5-2 घंटा मेहंदी सर में रहनी चाहिए उतना टाइम, तो उतना फिर उसके बीच में मैं जो है मेरा जितना काम वैसा कर लूँ, किचन वगैरह साफ और सारा। हाँ मलाई करनी है, मलाई करीब 3-4 दिन की रखी है तैयार, जो जामन लगा के रखती हूँ, लेकिन बस आज नहीं कल करूँगी, तो फ्रिज में रखी है वो करूँगी आज ज़रूर।
भगोना भर गया है पूरा, तो अब गुंजाइश नहीं है। तो ये सारे काम करूँगी, लेकिन उससे पहले खोल लेते हैं मेहंदी और फिर जो है आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे मैं और कौन सी मेहंदी मैं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल सिंपल वाली। चलिए ये देखिए जी, ये मेहंदी है मेरी सिल्वर गोल्ड, हीना के नाम से आती है ये, और ये बहुत ही डार्क रेड मतलब मरून सा शेड देती है, ब्लैक तो नहीं करती है लेकिन मरून देती है, येलो भी नहीं छोड़ती, जैसे हमारी हाथ वाली मेहंदी होती है ना नेहा वगैरह की, तो वो येलो येलो बाल करती है। इसमें जो है आंवला है और शिकाकाई है, ये देखिए, तो इसमें कुछ भी और मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम कर सकते हैं जैसे आंवला पाउडर हो गया है जो भी हमारे पास, या हम कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है यहाँ पे कि कैसे इसको जो है घोल के रखना है, कितना रखना है, तो उतना आप इसे जो है रख सकते हैं। मैं तो इसको इंस्टेंट ही लगा रही हूँ आज साथ साथ ही करके इसको, वैसे एक से जैसे एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा तक आप भिगा के रख सकते हैं, ओवरनाइट छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी साथ साथ इसको लगा रही हूँ। और बस जितना भी आपको अपने बालों पर अप्लाई इसको करना है, जड़ों में अच्छे से लगाना है, क्योंकि जड़ ही सबसे ज़्यादा वाइट होती हैं, और इससे ये नहीं कि बाल ही जो है कलर होते हैं हमारे, अच्छे मेहंदी का कलर आता है, इससे बालों की ग्रोथ भी होती है, डैंड्रफ वगैरह है वो भी ख़त्म होता है, और जो है शाइनी हमारे बाल होते हैं, इससे मुझे बहुत ही अच्छा जो है बेनिफिट मिलता है अपने बालों के लिए। जो हमारे हाथ वाली मेहंदी होती है इतनी स्मेल भी इसमें नहीं होती। तो ये दोनों पाउच मैंने इसमें डाल लिए हैं, छोटे ही पाउच मिलते हैं यहाँ पे, बड़ा नहीं मिलता, बड़ा कहीं और से देखना पड़ेगा। 15 ग्राम मेहंदी है इसमें, तो ये दो पाउच 30 ग्राम मेहंदी हो गया है हमारी, तो बस इतनी मैं लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। ये है कॉफ़ी नेस कैफे की, नेस्ले जो भी आपके पास कॉफ़ी अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें आधा चम्मच ये कॉफ़ी पाउडर मिलाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा कलर आता है, ब्राउन शेड आता है इससे। और अगर आपके पास ये कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें चाय पत्ती का पानी पका के डाल सकते हैं, जैसे चाय पकाते हैं ना, तो एक से दो चम्मच आपको चाय डालनी है, वो अपनी मेहंदी के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है, और फिर उसको थोड़ा सा पानी डाल के पका लेना है, फिर उसको छान के उस पानी से आपको ये मेहंदी घोल लेनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो। अब मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस, तो आधा नींबू में करीब दो चम्मच जो है नींबू का जूस निकल जाता है, तो ये इसमें मैं ऐड करूंगी। ये देखिए, तो इतना हो गया है। अब मैं इसको सिंपल पानी के साथ इसका पेस्ट तैयार कर लूंगी, और इसको मैं यूज कर रही हूँ पिछले कई सालों से, मुझे याद भी नहीं है कितने साल हो गए हैं, बीच बीच में मैं कलर कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही जो है फिर दवाइयाँ वगैरह खानी पड़ती है, इन्फेक्शन हो जाता है सर में मेरे और खुजली, बाल गिरने लगते हैं, इससे हमारा जो है हेयर फॉल भी रुक जाता है, हेयर फॉल भी नहीं होता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो जो मेरे बालों में इससे बेनिफिट होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इसमें जो है बढ़ा के बताना है या ऐसा कुछ है, जो मेरे साथ होता है वो बता रही हूँ। तो ये हमारा पेस्ट बन के हो गया है तैयार बालों में लगाने के लिए, तो इसको बस थोड़ी देर मैं छोड़ देती हूँ अभी, तब तक छोटा मोटा कोई काम कर लेती हूँ, फिर इसको मैं लगाऊंगी अपने बालों में। तो आ गई हूँ मैं बाहर, ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं, और इस तरीके से ना एक कपड़ा मैं लगा लेती हूँ, कोई बेकार कपड़ा आप ले लें, दुपट्टा ले लें, तो दुपट्टा तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा दुपट्टा लाइट कलर का है, दुपट्टा धुलना होता है तो मैं वो भी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसका कलर उतरता नहीं है, उतर जाता है, लेकिन फिर भी जो है टी शर्ट वगैरह भी मुझे काम करना है, फिर कोई दाग लग जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इस तरीके से ना कोई कपड़ा मैं लगा लेती हूँ, और बस थोड़ा थोड़ा बाल उठाती जाऊँगी ऐसे, देखिए एक हाथ से बाल उठाऊँगी, एक हाथ से जो है बालों में अच्छे से लगाती जाऊंगी। और आप पूरे सर में लगा सकते हैं, मैंने तो बहुत कम लगाया है, मतलब हाफ सर में ही लगाया है, तो इस तरीके से अच्छे से मेहंदी अपने आप लग जाती। मेहंदी लग गई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और मैंने ना पूरे बाल कवर नहीं किए पीछे तक, उसमें तो ज़्यादा मेहंदी चाहिए मुझे, आगे आगे लगाना था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो सर पर ना बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जो है आगे आगे लगाई है, पीछे के बाल ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की जो बाद में बच जाती है ना बस वो लगाई है। अगर पूरे बाल कवर करें एक एक बार तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहंदी भी ज़्यादा लगती है, खासकर दूसरा आदमी ज़्यादा अच्छी लगा देता है, लेकिन
कोई नहीं, अपने आप भी अच्छी लग जाती है, अगर पूरे पे भी लगानी हो तो लग जाती है, लेकिन मैंने आगे आगे लगाई है। अब 1.5 से 2 घंटा रखूँगी, तब तक मेरा सारा काम हो जाएगा और फिर मैं इसको धुल लूँगी बिना शैम्पू के और फिर आपको कलर दिखाऊँगी। अब मैंने कर दिया है अपना काम शुरू। ये बिकैनो का पैकेट खाली हो रखा था, काफ़ी टाइम का पड़ा हुआ था ये, तो इसको मैंने धुल के सुखा दिया था। कई बार ना इस तरह की चीज़ें काम आ जाती हैं, रियूज़ हो जाती हैं। तो ये है मेरे रैबिट का खाना वेजिटेबल, उनकी बीन्स हैं, कैरेट हैं और खीरे तो खैर सबके ही हैं, हरा धनिया है, तो 3 चीज़ें तो खासकर उन्हीं के लिए हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने से भी ज़्यादा ज़रूरी आजकल रैबिट के लिए होता है, क्योंकि गर्मी इतनी है तो उनकी सब्ज़ी अच्छे से रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो उनकी तो मैंने इसमें रख दिया, धनिया मैं इसमें नहीं रख रही हूँ, अभी वो गीला है और गीला फिर ख़राब हो जाएगा। और अभी जो है आगे जो है मैं फिर कुछ कॉटन बैग बनाने वाली हूँ घर में ही, वेजिटेबल बैग जो होते हैं वो बनाऊँगी और उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। खासकर ये भी मुझे रैबिट के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नींबू पैक कर दिए हैं, नींबू आप इस तरह से कवर करके रखेंगे तो नींबू हमारे सूखते नहीं हैं। और बारी आती है मिर्ची की, कई बार टाइम नहीं लग पाता है, 2-3 दिन से मिर्ची रखी हुई है, मिर्ची रात नहीं आई थी, मिर्ची पहले रखी हुई है, तो इनके मैं जो है सारे डंठल हटा लूँगी और फिर इसमें रख दूँगी। 15-20 दिन भी हमारी मिर्ची ख़राब नहीं होती है अगर ये डंठल निकाल के इस तरीके से हम इनको रखते हैं टिशू लगा के। जो मॉइस्चर होता है फ्रिज में, मॉइस्चर तो आता ही है, तो वो ये टिशू सोख लेते हैं और फिर मिर्ची बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इसी तरीके से मैंने नींबू रखे हैं, नींबू चाहे आप पानी में भी रख सकते हैं, जब भी नींबू ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन नींबू मैंने पानी में रखे नहीं है, वो मैंने देखा था कहीं, लेकिन इस तरीके से रखती हूँ तो सूखते नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, चाहे हम फ्रिज में नींबू ऐसे खुले रखें लेकिन फिर भी सूख ही जाते हैं। तो ऊपर से एक टिशू और लगा दिया है, यहाँ पे मिर्ची, नींबू और ये रैबिट की जो है सब्ज़ी, रैबिट की सब्ज़ी नाम हो गया इनका, और ये मैं रख दूँगी अब अच्छे से। पहली सब्जियाँ कुछ बची हुई हैं, कुछ मैं यहाँ पे फ्रूट रखने वाली हूँ, मैंगो का सीजन चल रहा है तो ये जो जूस वगैरह बनाते हैं वही मैंगो अभी तो आ रहे हैं, तो इनको मैं रख रही हूँ एक साइड, और फिर जो है खीरे लगा दूँगी बीच में। तो इसलिए मुझे खासकर बैग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये मैंगो वगैरह है ना, ये दूसरी सब्जी के साथ ख़राब हो जाते हैं, और इतना स्पेस फ्रिज में नहीं होता कि एक एक चीज़ करके हम रखें। और यहाँ पे मैंने ये दोनों डब्बे रख दिए हैं, क्योंकि टमाटर दिमाग से ही निकल गया, कल मंगवाना टमाटर भी ख़त्म ही हो रखे हैं, 1-2 टमाटर पड़ा होगा। और इस तरीके से मेरा फ्रिज है, जो बड़े बर्तन रखे रहते हैं ना, एक जो है वाटरमेलन रखा है, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। अब बारी आती है मलाई करने की, जो मलाई में जामन लगा के दही बना के रखी हुई थी, और आप देख सकते हैं भगोना जो है वो फुल है, तो इसलिए आज मुझे ये करना ही पड़ा। हालांकि गर्मी में ना ऐसा मन करता है कि थोड़ा थोड़ा सा काम करो और बस काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन करने तो सारे काम पड़ते हैं, तो जब तक आज मेरी मेहंदी सूखेगी या टाइम होगा तब तक आज सारे काम हो जाएंगे। ये देखिए भगोना पूरा भरा हुआ था, बहुत प्रेशर हो रहा था ब्लेंडर के ऊपर, तो फिर इसको ना बाद में मैंने थोड़ा सा हाथ से ही चला लिया है, और इसमें मक्खन पूरी तरह से भर चुका था, तो हाथ मैंने अच्छे से धो लिए हैं, ये मत सोचिएगा आपको गीले दिखाई दे रहे होंगे। साफ़ सफाई बहुत अच्छे से मैं करती हूँ, और ये जो काम हाथ के हैं तो वो हाथ से ही होते हैं। अब मैं निकाल लूँगी ये मक्खन और छाज हो जाएगी अलग। ये देखिए कितना अच्छा मक्खन आया है, और जैसे ही हम इसको जामन लगा के दही जम जाते हैं, फिर इसको एक रात के लिए भी फ्रिज में छोड़ देना, तो इस तरीके से मक्खन बनता है, बहुत ही अच्छा। हाथ के बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा मक्खन लगा हुआ कहीं पे भी, इस तरीके से मक्खन बना है। तो बस बड़े बड़े से गोले लड्डू बना के मैं इसके निकाल रही हूँ, जो छाज है वो इसी में निकाल दूँगी निचोड़ निचोड़ के। ये देखिए तो इस तरीके से मेरा मक्खन भी जो है निकल चुका है। आज थोड़े से एक्स्ट्रा दिन हो गए थे, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, नहीं तो मैं करीब 6 से 7 दिन का कर लेती हूँ, आज 3-4 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। मलाई में सारी इसी में करती गई थी, और ये साथ साथ मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, एक साइड से अपनी किचन समेटना शुरू करनी है। किचन अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई है, और जो है बर्तन वगैरह सब, तो जब तक मेरा घी होगा, घी में काफ़ी टाइम लगता है, तब तक मेरे बर्तन भी हो जाएंगे। और जो है पोछा तो सिरे ही लगाने वाला है, पोछा मैं कम ही लगाती हूँ, किसी दिन जिस दिन सिरे का एग्ज़ाम वगैरह होता है उस दिन लगाती हूँ, कई बार अंश भी लगा देता है, नहीं टाइम होता है किसी का भी तो मैं खुद लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे स्टिच लगे हुए हैं सर्जरी के, तो उसमें अभी मुझे प्रॉब्लम होती है, उनमें पेन होता है, तो इसलिए बच्चे कर देते हैं, इतनी सारी हेल्प तो मेरी। और ये देखिए बातों ही बातों में
और बर्तन करने में मेरा घी हो गया है रेडी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था हल्का सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और जो छन्नी है वो मेरी प्लास्टिक वाली है। तो यहाँ पे मैंने ये डब्बा कर लिया, डब्बा पूरा खाली हो चुका था घी का, थोड़ा सा घी बचा हुआ था नीचे, तो वो भी मैंने इसमें निकाल दिया था छोटे वाले डब्बे में। तो ऊपर से इसमें और थोड़ा सा डाल दूंगी, और ये छोटा डब्बा है जिसमें से डेली हम यूज़ करते हैं, जो नीचे का घी होता है वो इस बड़े डिब्बे में मैं नहीं डालती, वो मैं जो डेली यूज़ की हमारा बर्तन है ये तो नहीं बोलते हम इसको घी की, इसमें कर लेती हूँ नीचे का। फिर घी हमारा लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। और फिर जो है ये हमारा डब्बा स्टील का है, तो इसको मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया है, क्योंकि घी में हल्का सा भी चिकनाहट रह गया ना, कहीं हाथ से फिसल ना जाए, तो वो बहुत डर लगता है। फिसलने का तो लगता ही है, साथ में फिर जो है हमारा किचन स्लैब जहाँ भी हम इसको रखेंगे वो भी गंदा होगा, तो चिकना हो जाएगा। तो सारे डब्बे इस तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी, और फिर इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ऊपर लगा दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी वगैरह सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, और चकाचक सी मेरी किचन चमक गई है। टाइम बहुत हो चुका था, 12:30 का टाइम हो चुका है, और इसके बाद भी मुझे अब थोड़ा सा काम आज बाकी है, जो कि मैंने सोच के रखा है। और सोचा हुआ काम हो ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी दिन की तो बोलती नहीं हूँ। यहाँ पे आज जो है रैबिट की क्लीनिंग चल रही है, जो कि मैंने आज सोचा हुआ था, कल इनको डॉक्टर के पास लेके गए थे तो उन्होंने जैसे बताया था वैसे इनको मैं क्लीन कर रही हूँ। उन्होंने बताया था कि इसको जो है नहलाना तो इनको नहीं होता है, लेकिन इनके पैर आप धुल सकते हो जो गंदे हो जाते हैं, और फिर कॉटन से इनको साफ कर सकते हो। तो बस वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन इनके नेल्स जो है ना वो इतने बड़े हो रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रहा था इस तरीके से कि पता नहीं क्या हो रहा है। और गीला इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इनके पैर धुले ना तो बहुत ही जो है शैतानी करते हैं ये, और इनके मैं बिल्कुल पैर सुखा रही हूँ, नहीं तो फिर बेड के नीचे जाएंगे ये। तो दोनों को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और बहुत ही अच्छा सा इनका जो है कलर हो गया है, भद्दा भद्दा सा हो जाता है, थोड़ा सा फेड़ सा लगने लगता है, धूल तो हो ही जाती है। हालाँकि जो रैबिट है वो अपनी क्लीनिंग खुद करते हैं, इनको बोलते हैं कि नहलाना नहीं होता है इनको। पहले मैंने इनको 2 बार नहला दिया था जब तक मुझे नहीं पता था, तो लेकिन इनकी हालत ना बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो अब इनका चेकअप हो चुका है, जो था इनका रूटीन हमें समझा दिया गया है। हाँ जी, तो बाल मेरे सूख गए थे, और अब मैंने कंघी वंगी भी कर ली है, तो कलर देखिए कैसे कलर आया है मेरे बालों पर, अच्छा आया है ना, तो ये बढ़िया कलर आता है, मतलब वो येलो इससे बाल नहीं होते हैं, और मेरे वाइट बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो इसलिए तो उससे ना थोड़े येल्लोपन सा रहता है बालों में, तो इससे थोड़ा सा ब्राउनी सा, थोड़ा सा मरून सा शेड आ जाता है। ये मेहंदी मैं महीने में 2 बार भी लगा लेती हूँ, 1 बार भी लगाती हूँ, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम कैसा है। और सर्दी में बहुत कम लगाई जाती है, और अब ज़्यादा गर्मी में भी नहीं लगाई जाती है, तो करीब 1 महीने बाद मैंने लगाई है। जल्दी लगा लेते हैं तो और भी डार्क कलर आता है। तो जी बस यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज की वीडियो में थोड़ा सा जो है डिफरेंट किया है, जैसे कि मैंने मेहंदी अपनी शेयर करी है, तो किस तरह के जो है ब्लॉग देखना आपको पसंद है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, कि मुझे कुछ अलग अलग जो है ट्राई करना है, अलग अलग आपके साथ शेयर करना है, या फिर वही अपना डेली का रूटीन शेयर करना है, तो मुझे बताइएगा किस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते। वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और किस तरह की मुझे वीडियो लेकर आनी है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।